तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी आर यूपी वंदना किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं अंडा पोज करी। तो मैंने अंडा ये पोज बना लिया, अंडा का पोज बना के मैंने एक देखिए एक करछी लिया था इतना बड़ा, इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालकर एक एक अंडा तोड़ के इसमें गैस पे रख के पकाते गई हूँ, पका के बना के निकल लिया। और मसालों के लिए मैंने लिया था एक मीडियम साइज का प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ढेर सारा लहसुन, और तीखा अपने स्वाद अनुसार मैंने लिया था, तो आप भी अपने स्वाद अनुसार ही तीखा लें। उसके बाद से क्या, और वो जीरा पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर ले लें, आधा चम्मच धनिया पाउडर ले लें और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर ले लें। इन सभी मसालों को मिक्स करके पीस लें। तो देखिए मैंने अपने मसाले पीस कर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया है और मिल ले के आ गए हूँ बनाने के लिए। तो चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। तो मैंने एक पतीला रख दिया है चूल्हे पर, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है अपने मसाले फ्राई करने के लिए। तो मेरा तेल गर्म भी हो गया है, तो हम चलते हैं इसमें। देखिए तड़के के लिए मैं डालूँगी 2 तेज़पत्ता और कड़ी पत्ता, जब फ्राई हो जाता है तो इसमें हम डालते हैं अपने इसमें प्याज। ये गया हमारा प्याज भूनने के लिए। तो गाइस हम इसको ब्राउन होने तक प्याज को भून लेंगे। फिर इसे फुल फ्लेम पर उसको फ्राई कीजिएगा, जल्दी पक जाएगा। तो जैसे मेरा प्याज भून रहा है तब तक मैं अपना टमाटर भी कट कर लेती हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर ले लिया है। और फिर मैं एक सीक्रेट चीज़ बताऊँगी। अगर आपके पास सुबह का बना हुआ दाल बच गया है या सब्ज़ी बच गया है तो आप उसको फेंके नहीं। आप इन मसाला, अगर आपको मसाले वाली कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप उनमें डाल कर उसका यूज कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपका सामान वेस्ट भी नहीं होगा। तो मैंने भी यही किया है, आज मेरे पास इतना दाल बच गया था। तो फ्रेंड मैं इसको मसाले की ग्रेवी में यूज करूँगी और आपको दिखाऊँगी। इससे सब्ज़ी का स्वाद ख़राब नहीं होता है, बल्कि और उसका स्वाद बढ़ जाता है, टेस्टी हो जाता है इसकी वजह से। तो फ्रेंड आज मैं भी यही करने वाली हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड तो मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, अगर आपके पास सुबह का सब्ज़ी या दाल बच जाता है तो आप उसे फेंके नहीं। रात को अगर कोई भी मसाले वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें उसका यूज कर लें। जैसा कि मेरे पास देखिए एक कटोरी दाल बच गया था, तो मैं इसको ग्रेवी में यूज करूँगी। फ्रेंड मेरा प्याज भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। मेरा मसाला, अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो फिर इस तरह से जब आप अंडा करी बनाएंगे तो बहुत जल्द झट से 5 मिनट में बन जाता है, आपको यकीन नहीं होगा। और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है निकल के। तो फिर एक बार इस तरह से बना कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। और अगर मेरा ये वीडियो अंडा कुछ करी का वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बनाऊं तो आपका इसका नोटिफिकेशन जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस हम चेक कर लेते हैं अपने मसाले। तो फ्रेंड मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपने मसालों में ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करती हूँ, बस लहसुन प्याज अदरक और मिर्चा और थोड़े से ये पीसे मसाले होते हैं, इसी से मेरी सब्ज़ी एकदम निखर के आती है और स्वाद भी पूछिए मत, लाजवाब। तो मैं आज आपको बना के दिखा रही हूँ अंडा कोच करी 5 मिनट में बन जाने वाला। तो फ्रेंड अब डाल देते अपने मसालों में टमाटर को, मैं भूल गई थी, मिक्स कर देंगे
और उसे खूब अच्छा से पका लेंगे, उसमें गला लेंगे। तो फिर मेरा मसाला भून के तैयार भी हो गया है और इसमें हम डालेंगे ये अपना बचा हुआ सुबह का दाल देखिए, और इसमें डालेंगे हम पानी। टमाटर भी अच्छा से गल चुका था तो पानी हम डालेंगे अपने अनुसार। ये गया मेरा पानी और अपने सारे अंडे के कुछ इसमें हम डाल देंगे एक एक करके और इसको ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अंडा पोज कड़ी कहिए या अंडा टिक्की कड़ी कहिए। तो 1 मिनट और इसको पकाएंगे, थोड़ा मेरा ग्रेवी भी गाढ़ा हो जाएगा तब इससे गैस से उतार लेंगे और इसका प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो फिर मेरा अंडा पोज कड़ी कहिए या अंडा टिक्की कड़ी कहिए, मेरा बनके तैयार है। तो गैस को करते हैं अप और चलते हैं इसको प्लेटिंग करने, तो फिर आपको हम दिखाते हैं कैसा दिखता है ये मेरा और बना कैसा, इसका स्वाद भी चख के बताएंगे कैसा बना है। तो फ्रेंड आप भी इस तरह का टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा और आगे भी मैं इसी तरह के कुछ अलग तरीके से देसी अंदाज में गांव देहात स्टाइल में मैं इसी तरह के रेसिपी बना के आप लोगों को देती रहूँगी टेस्टी और इंटरेस्टिंग। सो प्लीज फ्रेंड आप लोग का मेरा प्रणाम। फ्रेंड देखिए मेरा अंडा कोट करी कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फ्रेंड जाते जाते आपका एक बार फिर से नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो पर।